नमस्कार दोस्तों, टेक विश्व के एक फ्रेश एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट विश्वजीत और आप देख रहे हैं मेरा टेक विश्व यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम बात करते हैं अलग टॉपिक के ऊपर। वन प्लस की तरफ से दो नॉर्ड के फोन रिलीज हुए हैं 2 महीने में। तो जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो, नेवर सेटल की तरफ से यहाँ पे आपको 2 अलग अलग फोन लॉन्च करके मिले हैं। उसका फर्स्ट हम देखेंगे नॉर्ड 2, जो अभी नया लेटेस्ट लॉन्च हुआ है। उसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये डिवाइस है जो अभी नया लॉन्च हुआ है, और इसके कुछ समय पहले नॉर्ड की तरफ से और एक फ़ोन लॉन्च हुआ था नॉर्ड CE करके, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल ज़रूर रह गया है कि नॉर्ड CE खरीदना चाहिए या नॉर्ड 2। तो उसके बारे में आज हम यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे और देखते हैं इन दोनों का कंपैरिजन भी। तो आप इन दोनों में से कौन सा फ़ोन परचेस कर सकते हैं उसके बारे में आज हम करेंगे यहाँ पे बात, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉर्ड 2 के बारे में, बिकॉज नॉर्ड 2 इज़ द लेटेस्ट इटरेशन। जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो, यहाँ पे आपको 29,999 रुपीज़ से इसका प्राइस स्टार्ट हो रहा है। और उसी के साथ में अगर हम नॉर्ड CE की बात करते हैं तो जैसे कि आप देख पा रहे हो 22,999 रुपीज़ से ये फ़ोन चालू हो रहा है। तो अगर आपको नॉर्ड CE और नॉर्ड 2 के बीच में अगर कंपैरिजन के पॉइंट के हिसाब से अगर हम देखते हैं, तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक तो रहेगा प्राइस। अगर आपका बजट कहीं पे 22 या 24 या 25 हज़ार के आसपास वाला है और आपको एक वन प्लस का एक्सपीरियंस वाला फ़ोन चाहिए, देन यू कैन बाय नॉर्ड CE विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ठीक है। तो ये सबसे पहला पॉइंट है। और नॉर्ड CE किन लोगों के लिए अच्छा रहेगा उसके बारे में भी मैं बात करना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो बात करते हैं जिसका प्राइस ब्रैकेट कम है उन लोगों के लिए वो फ़ोन अच्छा रहेगा। सेकंड टॉपिक का अगर हम बात करते तो यहाँ पे आपको नॉर्ड CE उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनको वन प्लस का एक्सपीरियंस सबसे पहले लेना है। दीज आर दी फर्स्ट टाइम, जो लोग फर्स्ट टाइम बाय कर रहे हैं वन प्लस का नॉर्ड, वन प्लस का कोई भी फ़ोन अगर वो पहली बार लॉन्च बाय कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए नॉर्ड CE विल बी अ परफेक्ट बेस्ट। बिकॉज आपको वहाँ पे वन प्लस का ऑक्सीजन ओएस किस तरीके से काम करता है और आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं वो सारी जानकारी आपको वहाँ पे मिल जाएगी, ऐसे मुझे लगता है, ठीक है। और लास्ट टॉपिक की अगर हम बात करेंगे तो नॉर्ड CE जो है उसमें 5G का सिर्फ एक बैंड आता है, जिसकी वजह से 5G रोल आउट अगर आपको अगले 1-1.5 साल तक आपके एरिया में नहीं होगा, ऐसे आपको लग रहा है जिस तरीके से आप रिमोट प्लेस में रहते हो जहाँ पे आपको ज़्यादा नेटवर्क्स वगैरह देखने को नहीं मिलते, और ऐसी जगह पे 5G रोल आउट होते होते अगले 2 साल आराम से लगने वाले हैं, उन लोगों के लिए नॉर्ड CE विल बी अ परफेक्ट चॉइस ऑफ डिवाइस, ठीक है। अभी बात करते हैं नॉर्ड 2 जो है, नॉर्ड 2 उन लोगों के लिए किसके लिए अच्छा रहेगा उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले नॉर्ड 2 उन लोगों के लिए अच्छा रहेगा जिसका 5G का इंपॉर्टेंट नीड है और जो मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं। अगर आप Tier 1 या Tier 2 के मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं तो नॉर्ड 2 परचेस करना आपके लिए बेस्ट रहेगा, जहाँ पे 5G के आपको यहाँ पे 10 से 15 बैंड्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। सेकंड टॉपिक के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो नॉर्ड 2 उन लोगों के लिए अच्छा है जिनका बजट यहाँ पे 30,000 के ऊपर जा रहा है, या फिर जो 40,000 का बजट रखते हैं और वहाँ पे थोड़ा पैसा अपना सेव करना चाहते हैं। वन प्लस 9 खरीदने के चक्कर में जो लोग थे या 8T के आसपास जो लोग थे, उन लोगों के लिए एक मनी सेवर की तरह वन प्लस नॉर्ड 2 काम कर सकता है, जहाँ पे आपको नॉर्ड 2 एक अच्छी डील प्रोवाइड करेगा आपके पैसे के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे आप नॉर्ड 2 के लिए जा सकते हो। ये हो गया दूसरा पॉइंट। थर्ड टॉपिक की अगर हम बात करते हैं तो गेमिंग के लिए, गेम खेलने वाले लोगों के लिए नॉर्ड CE अच्छा रहेगा कि नॉर्ड 2 अच्छा रहेगा, वो हमें देखना होगा। तो इसमें मैं बात करना चाहूँगा, अगर आप एक नॉर्मल लेवल के गेम्स खेलते हो जैसे कैंडी क्रश वगैरह है, पोकर है, पूल है, या फिर कैरम वगैरह है, ऐसे नॉर्मल गेम्स अगर आप खेलते हो, सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर नॉर्ड CE। बिकॉज वहाँ पे इतना स्नैपड्रैगन का जो प्रोसेसर वहाँ पे आ रहा है 750, उसका प्रोसेसिंग पावर आपको प्रॉपरली काम में आ सकता है और वहाँ पे ज़्यादा कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नॉर्ड 2 उन लोगों के लिए बेस्ट है जो लोग हाई इंटेंसिव ग्राफिक्स वाले गेम खेलते हैं, जैसे पबजी खेला जाता है, या फिर एस्फाल्ट का नया गेम खेला जाता है, या फिर इस तरीके से आने वाले पबजी जैसे आने वाले जो हाई ग्राफिक्स इंटेंसिव गेम्स रहेंगे, उन लोगों के लिए आई विल प्रेफर टू गो फॉर नॉर्ड 2। बिकॉज वहाँ पे आपको मेडाटेक का डायमेंसिटी 1200 देखने को मिला है, तो वो एक अच्छी चीज़ वहाँ पे दी गई है, ठीक है। तो ये 2-3 मेन स्पेसिफिक डिफरेंसेस मैंने जो आपको बताए उसके हिसाब से ये दोनों भी फ़ोन अच्छे हैं बाय करने के लिए। अब इन दोनों में से कोई भी बाय कीजिए, आपको दो चीज़ें दोनों फ़ोन्स में देखने को मिलने वाली हैं। सबसे पहले तो बात करूँगा वन प्लस का जो यूनिक इंटरफेस है, यूनिक ऑपरेटिंग सिस्टम का जो एक्सपीरियंस है, वो वन प्लस एक्सपीरियंस आपको दोनों जगह पे मिलने वाला है। सेकंड इसकी बात करते हैं, जहाँ पे आपको 2 साल का मेजर अपडेट और 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट आपको देखने को मिलने वाला है। तो ये दोनों चीज़ें आपको वन प्लस के कोई भी डिवाइस के साथ में आप जाओगे तो आपको मिलने वाला है। इसी के साथ में
थर्ड कॉमन चीज की बात करते हैं जहाँ पे आपको वॉप चार्ज जो आता है वन प्लस की तरफ से, वो आपको दोनों जगह पे देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो वन प्लस का स्टैंडर्ड फास्ट चार्जिंग जो है वो भी आपको दोनों डिवाइसेस में देखने को मिलने वाला है, ठीक है। अभी बात करते हैं कैमरा सेंट्रिक लोगों के लिए, नॉट 2 किन लोगों के लिए बेटर रहेगा और नॉट CE किन लोगों के लिए बेटर रहेगा। तो नॉट CE का भी कैमरा, ऐसा नहीं कि नॉट CE का कैमरा अच्छा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। नॉट टू का जो कैमरा है वो एक ही चीज़ में सबसे ज़्यादा ब्रिलियंट अपर हैंड रहेगा उसका, वो है ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन के ऊपर। अगर आप ज़्यादा करके वीडियो फुटेज वगैरह बनाते हुए या किसी तरीके का ब्लॉगिंग वगैरह करते हो, वीडियो लॉगिंग अगर आप करते हो, यूट्यूब के वीडियोज़ वगैरह अगर आप शूट करते हो आपके कैमरा के बैक साइड का जो मेन कैमरा है उससे, तो यू शुड बी गोइंग फॉर वन प्लस नॉट 2 जहाँ पे आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन देखने को मिलने वाला है, जो नॉट CE में अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर आपका कैजुअल फोटोग्राफी है, जिस तरीके से आप पर्सनल यूज़ के लिए फ़ोटोज़ निकालते हो और कभी ट्रिप के लिए जाते हो, तो ऐसे टाइम पे ही अगर आपका ज़्यादा करके फोटोज़ वगैरह का यूज़ होता है, देन नॉट CE विल डू द जॉब। ऐसे नहीं कि नॉट CE का कैमरा ख़राब है, नॉट CE का कैमरा फिर भी एक बेटर कैमराज में ही माना जाता है, तो वहाँ पे आप वो भी बाय कर सकते हो, ठीक है। उसी के साथ में नॉट CE का एक सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर मैं बताना चाहूँगा, नॉट CE में कौन सा एक चीज़ आता है जो नॉट 2 में नहीं आता है, उसके बारे में भी आज हम यहाँ पे बात करेंगे। तो नॉट 2 जो है, नॉट 2 आपको प्रोवाइड कर रहा है सबसे बड़ा सबसे इम्पॉर्टेंट हेडफोन जैक आपको वहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो नॉट 2 में नहीं आता है, ठीक है। तो ये एक चीज़ आपको याद रखनी है। अगर आप ग्रेट म्यूजिक लिसनर हो या ज़्यादा करके हेडफोन यूज करने वाले हो, तो ऐसी जगह पे नॉट CE विल बी अ प्रेफरेबल बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, ठीक है। अभी CE जो है, मुझे लगता है ओवरऑल सारे ऑफर्स वगैरह मिला के 20-21 हज़ार के आसपास आपको ये फ़ोन आराम से मिल सकता है, और अगर आप एक्सचेंज के लिए ऑप्टिन करोगे तो 17-18 हज़ार रुपये तक आपको ये फ़ोन मिल सकता है। तो बेसिकली अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस बहुत बड़ा है दोनों फ़ोन्स में, और ऐसे टाइम पे मैं रेकमेंड करूँगा आपको टू गो फॉर नॉट CE। अगर आपने वन प्लस का अभी तक कोई फ़ोन नहीं लिया है तो गो फॉर नॉट CE, ठीक है। लेकिन आपने वन प्लस का कोई फ्लैगशिप लेवल का फ़ोन इस्तेमाल किया है, लेकिन अगर आप एक फ्लैगशिप लेवल के फ़ोन से अगर आप नीचे डाउनग्रेड करके वन प्लस के ऊपर आ रहे हो, तो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू टू बाय वन प्लस नॉट 2, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई थिंक मैंने सारे जो डिफरेंसेस है वो मेनली यहाँ पे कवर करने का कोशिश किया है, और उसी के साथ में ये दोनों जो वेरियंट है, ये दोनों वेरियंट को लेकर हर एक पर्सन के मन में ये सवाल आ रहे होंगे, तो वो सारे मैंने यहाँ पे कवर करने का कोशिश किया है। लेकिन फिर भी अगर मैंने कुछ पॉइंट कवर नहीं किए जहाँ पे आपको लग रहा है कि कोई चीज़ आप मुझसे पूछना चाहते हो, तो प्लीज़ गो फॉर इट एंड बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, सो दैट आई कैन आंसर यू ऑन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। आपको ये वीडियो ओवरऑल कैसे लगा आप मुझे ज़रूर बताइए। आई होप कौन सा खरीदना चाहिए बिटवीन नॉट 2 एंड नॉट CE आई एम एबल टू आंसर योर ऑल द क्वेश्चंस। सो अगर आपको मेरा वीडियो और मेरा क्रिएशन पसंद आया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे टेकविश यूट्यूब चैनल को, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे टेकविश यूट्यूब चैनल को। आपका हर एक लाइक, हर एक शेयर और हर एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करेगा ऐसे नए नए वीडियोज हर दिन बनाने के लिए। तो मैं मिलता हूँ आपको एक फ्रेश एपिसोड के साथ टुमारो, तब तक यू गाइस टेक केयर। द विनर्स ऑफ इन्फिनिट टेक्नोलॉजी से जुड़े रहिए और देखते रहिए नए नए टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस। बाय बाय।